इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC का IPO अभी के सालों का सबसे सफल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग साबित हो सकता है। इस IPO में निवेश करने वाले लोगों का अगर किस्मत ने साथ दिया तो पहले ही दिन कम से कम 8,000 रुपए की कमाई हो सकती है। असल में इसके IPO प्रति शेयर 200 रुपए के प्रीमियम यानी तय की गई कीमत से ज्यादा पर खुलने की उम्मीद की जा रही है। IRCTC के IPO के लिए बहुत ज्यादा आवेदन होने की वजह से शेयरों का आवंटन लॉटरी से होगा। ये किसी सार्वजनिक कंपनी का सबसे सफल IPO साबित हो सकता है। पहली बार किसी IPO के लिए बाजार में इतना उत्साह देखा जा रहा है। इस IPO के लिए आवेदन करने वालों को शेयरों का आवंटन होता है या नहीं, इसका फैसला 9 और 10 अक्टूबर को होगा। इसकी शेयर एक्सचेंजों पर लिस्टिंग IRCTC के IPO के लिए कम से कम आवेदन 40 शेयरों के लॉट का हुआ है। इसके आवेदन में प्राइस बैंड 315 से 320 रुपए की रखी गई है। 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक IRCTC के IPO के लिए आवेदन हुआ था। ऐसा माना जा रहा है कि IRCTC के शेयरों की लिस्टिंग 520 से 525 रुपए तक होगी। ये 320 रुपए के हायर बैंड से 64% ज्यादा प्रीमियम कीमत है। अगर किसी ने एक लॉट भी आवेदन किया है और उसको शेयर अलॉट हो जाते हैं तो लिस्टिंग के दिन ही उसे कम से कम 8,000 रुपए का फायदा होगा। IRCTC का IPO 112 गुना सब्सक्राइब हुआ है, यानी जरूरत से इतने गुना ज्यादा शेयरों के लिए आवेदन किया गया है, जबकि खुदरा निवेशकों वाला हिस्सा सिर्फ 15 गुना सब्सक्राइब हुआ है। IPO के जरिए 2.01 करोड़ शेयरों के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन आवेदन 225.39 करोड़ शेयरों का हो चुका है। इससे कंपनी ने 645 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। IRCTC में सरकार की अभी हिस्सेदारी 100% है और इस IPO के जरिए सरकार अपनी हिस्सेदारी 12.6% कम करेगी। शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी का बाजार पूंजीकरण 5,120 करोड़ रुपए का हो सकता है। आपको बता दें कि IRCTC की स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुई थी और इसे 1 मई 2008 को भारत सरकार से मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिला था। ये रेलवे की खान पान सेवा के अलावा ई कैटरिंग, एग्जीक्यूटिव लॉन्च, बजट होटल जैसे सेगमेंट में भी कारोबार करती है। इसका कारोबार मुख्यतः भारतीय रेल पर ही निर्भर है और रेल मंत्रालय के जरिए किसी नीतिगत बदलाव का इसके मुनाफे पर असर भी होता है। तो अगर आपने भी IRCTC के IPO में निवेश किया है तो हो सकता है आपको भी मुनाफे का स्वाद चखने को मिल जाए।